हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बॉडी माइंड एंड सोल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, स्टेइंग मोटिवेटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इवॉल्विंग स्पिरिचुअली। तो आइए इसी पॉजिटिव इंस्पायरिंग नोट पे शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बनाया है, जो कि मेरे एक पुराने वीडियो हाउ टू हील ब्रोकन ऑरा, उसमें आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था। क्वेश्चन है कि कैसे पता चलता है कि हमारा ऑरा हील हो चुका है, हेल्थी एंड अनब्रोकन है। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसे कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा ऑरा हील्ड है, हेल्थी है, मतलब हमारी एनर्जी लीक आउट नहीं हो रही है और कोई अनवांटेड नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा में नहीं एंटर कर रही है। फर्स्ट साइन ऑफ अ हील्ड हेल्थी ऑरा है आपका बैलेंस्ड काम मेंटल स्टेट। अगर आप जल्दी जल्दी परेशान नहीं होते, आप मुश्किल सिचुएशंस में भी अपने आप को स्टेबल सेंटर्ड रख पाते हैं, और अगर आपका फोकस प्रॉब्लम्स की जगह सॉल्यूशंस ढूंढने में होता है, तो आप जान लीजिए कि आपका ऑरा हेल्थी है। ऑरा एक्चुअली हमारी एनर्जी का सिर्फ ब्लूप्रिंट ही नहीं होता, ये हमारी एक प्रोटेक्टिव लेयर भी है, जो जितनी स्ट्रॉन्ग और हेल्थी होती है उतनी ही नेगेटिविटी हमसे दूर रहती है और हमारा माइंड उतना ही स्टेबल रहता है। दूसरा साइन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग हेल्थी ऑरा है आपकी हेल्थी एनर्जेटिक फिजिकल बॉडी। देखिए, छोटी मोटी सीजनल बीमारियाँ, एलर्जीज तो सबको होती हैं, बट अगर आपकी बॉडी मोर और लेस ज़्यादातर हेल्थी रहती है, कोई आपको ज़्यादा बीमारियाँ नहीं होती, आपको कोई क्रॉनिक लंबे समय तक चलने वाली कोई डिजीज़ नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो डिजीज़ को आपसे अवे रखता है। तो ये भी एक साइन होता है एक स्ट्रॉन्ग हेल्थी ऑरा होने का, कि आपकी फिजिकल बॉडी भी हेल्थी होती है। थर्ड साइन है आपका हाई एनर्जी लेवल, आपका हमेशा मोटिवेटेड रहना। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपका ऑरा आपकी एनर्जी को ही नहीं दिखाता, ये आपकी एक प्रोटेक्टिव लेयर भी है। तो अगर आपकी ये लेयर स्ट्रॉन्ग है, हील्ड है, अनब्रोकन है, तो इसका मतलब आपकी एनर्जी लीक आउट नहीं हो रही है। दैट्स वाई आप ओवरऑल एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड फील करते हैं। अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में सभी के आते रहते हैं, और कभी कभी जब टाइम फेवरेबल ना हो, अच्छा ना हो, तब थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील करना, डीमोटिवेटेड फील करना, ये नॉर्मल है, नेचुरल है। पर अगर आप हमेशा ही ऐसा फील करते हैं, आप हमेशा ही डीमोटिवेटेड रहते हैं, थोड़े से डिप्रेस्ड रहते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम शायद आपका वीक ऑरा भी हो सकती है। फोर्थ साइन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑरा इज हाउ इजली यू कैन लेट गो ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट गुड फॉर यू और दैट आर नॉट मेंट फॉर यू। जी हाँ, ऐसी चीज़ों को जाने देना, ऐसे लोगों को, ऐसी सोच को जाने देना जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, उन्हें लेट गो कर पाना, इसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए। हमारा अटैचमेंट कई बार ऐसी कई चीज़ों से होता है जो हमें पता होता है अंदर कि ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारे लिए ख़राब है, पर हम फिर भी उन्हें जाने नहीं दे पाते, हम उन्हें लेट गो नहीं कर पाते। ये हमारी वीकनेस है, ये हमारे वीक ऑरा को दिखाता है। क्लिंज करना जब ज़रूरत है जाने देने की, कंट्रोल करके रखना, कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये सभी साइंस हैं अनहेल्थी वीक ब्रोकन ऑरा के। तो अगर आपके लिए लेटिंग गो ईजी है, स्पेशली उन चीज़ों के लिए जो आपके लिए अच्छी नहीं है, प्रॉब्लमेटिक हैं, तो दैट मीन्स कि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है। सिमिलरली, अगर आप एडिक्शंस को भी इजली गिव अप कर पाते हैं, अगर आप अपने आप को फ्री कर पाते हैं ऐसे एडिक्शन से जो आपको पता है कि आपकी बॉडी के लिए अनहेल्थी हैं, तो दैट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर कि आपका ऑरा जो है वो हेल्थी है और हील्ड है। नेक्स्ट साइन ऑफ अ हील्ड अनब्रोकन हेल्थी ऑरा इज़ कि आप कितनी जल्दी अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को ट्रांसम्यूट कर पाते हैं इनटू पॉजिटिव वंस और न्यूट्रल वंस। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ये कि अगर आपको जब नेगेटिव फीलिंग्स अफेक्ट करती हैं,
तो क्या आप उनमें ही उलझ के रह जाते हैं या आप उनसे ऊपर उठ पाते हैं? देखिए, वी ऑल आर ह्यूमंस एंड फीलिंग्स लाइक जेलसी, अटैचमेंट, एनवी, सैडनेस, ये सब में होती हैं और सबको अफेक्ट कर सकती हैं, कभी ना कभी तो करती ही हैं। पर अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, तो आपको ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा समय तक परेशान नहीं कर पाएंगी। आप उनसे जल्दी ही छुटकारा पा सकते हैं, उनसे ऊपर उठ सकते हैं। एक हेल्थी ऑरा वाले इंडिविजुअल का मेंटल एंड साइकोलॉजिकल लेवल ऐसा होता है कि वो खुद भी खुश रहते हैं और उनके आसपास वाले लोग भी। और यही हमारा नेक्स्ट साइन है। अगर आपका ऑरा हेल्थी है तो आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, कोवर्कर्स, ज़्यादातर लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होता है। सब आपसे खुश रहेंगे, आपको पसंद करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट एक हेल्थी बाउंड्री रिस्पेक्ट रहेगा आपके और उन लोगों के बीच। जिन लोगों से आपका मन मुटाव है या जिनकी सोच आपसे बहुत ज़्यादा ही अलग है, तो हो सकता है कि वो लोग आपसे अपने आप ही दूर हो जाएं, क्योंकि वो आपके ऑरा को ट्रेसपास नहीं कर पाएंगे। तो एक हेल्थी डिस्टेंस रहेगा आप लोगों में और उन लोगों में जिनकी सोच आपसे नहीं मिलती है। और जिनकी सोच आपसे मिलती है वो तो ऑब्वियसली आपके साथ खुश ही रहेंगे, आपके साथ अच्छे रिलेशनशिप में ही रहेंगे। सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, ये तीनों ही श्योर शॉट साइंस हैं हेल्थी और स्ट्रॉन्ग ऑरा के। जब आप नेगेटिविटी से अफेक्ट नहीं होते, जजमेंट और क्रिटिसिज्म को आप सोच समझ के एक्सेप्ट करते हैं, ये देख के कि जिसने क्रिटिसाइज़ किया है वो खुद कैसे हैं, जिन्होंने हमें नेगेटिवली जज किया है उनमें खुद कितनी ग्रोथ है, वो खुद कितने सेल्फ अवेयर हैं इस चीज़ को लेके कि उन्हें कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करना है। तो जब आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं और जब आप में ये समझ होती है, तो आपके अंदर सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम अपने आप ही बढ़ जाता है। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन कि आपका ऑरा हेल्थी है, वो ये है कि आपके साथ डिविनिटी, डिवाइन का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। ये इसलिए रहता है क्योंकि जो हेल्थी स्ट्रॉन्ग ऑरा है वो नेगेटिविटी को रिपेल करता है, नेगेटिव एनर्जी को आपसे दूर रखता है। इसलिए आपकी लाइफ में, आपके मन में स्पेस क्रिएट होती है डिविनिटी के लिए। आप भगवान से, यूनिवर्सल एनर्जी से, गॉड से, डिवाइन से कनेक्ट फील करते हैं, उनके साथ आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं। और जितना ज़्यादा आप उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका ऑरा और स्ट्रॉन्ग होता है और हेल्थी होता है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ अ हेल्थी स्ट्रॉन्ग अनब्रोकन हील्ड ऑरा। अगर आप में ये साइंस हैं, देन डेफिनेटली रेस्ट अश्योर्ड कि आपका ऑरा हेल्थी है। और अगर आपको लगता है कहीं कुछ कमी है, तो ऐसे बहुत सारे वेज हैं, मेडिटेशंस हैं, जिनसे आप अपने ऑरा को हील कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, हेल्पफुल लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।